हिमाचल निर्माता के नाम पर बनी जिला सिरमौर की पहली कॉलोनी सरकार व प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। यहाँ समस्याओं के अंबार है। क्षेत्र में ना ड्रेनेज सिस्टम है और ना ही बरसाती पानी की निकासी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं यहाँ रहने वाले लोगों को भूमाफिया ने उपलब्ध करवाई है। अवैज्ञानिक ढंग से प्लांट कटिंग के चलते यहाँ रिहायशी मकानों पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। यशवंत विहार कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि क्षेत्र में समस्याएं ही समस्याएं हैं। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि समिति ने एक ज्ञापन डीसी सिरमौर को सौंपा है, जिसमें क्षेत्र की बरसाती पानी की निकासी, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट न होने समेत अवैज्ञानिक ढंग से की गई प्लेटों की कटिंग से यहाँ बने रिहायशी मकानों को पैदा हुए खतरे के बारे में। उन्होंने कहा कि यहाँ प्लॉट बेचने के लिए भूमाफिया ने बड़े बड़े प्रलोभन लोगों को दिए थे, जिसमें पार्क, पार्किंग, ड्रेनेज लाइटिंग समेत सीवरेज सिस्टम बनवा के देने के दावे किए गए थे, लेकिन आज क्षेत्र के सैकड़ों लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन व नगर परिषद ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संज्ञान नहीं लिया तो क्षेत्र के हजारों लोग ना तो टैक्स देंगे और ना ही आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में भारी बरसात व भूस्खलन से रिहायशी मकान खतरे की जद में है। पानी की निकासी ना होने से लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस रहा है, जो भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों, कच्चे रास्तों व भूस्खलन से रिहायशी मकानों को पैदा हो रहे खतरे के चलते परेशानी बनी हुई है। बार बार संबंधित प्लॉट बेचने वाले भूमाफिया एवं नगर परिषद को अवगत करवाया जाता रहा है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने डीसी सिरमौर से जल्द ही मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की है। हमारी यशवंत बिहार की समस्या है, वो तो सब लोग इससे वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि भाई जो कमेटी वाले हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन क्यों इग्नोर किया जा रहा है, उस वजह से हमारे को आज मजबूरन होके डीसी साहब को हमने एप्लीकेशन दी है कि जो भी हमारी समस्या रही है, पहले जो भूमाफियाज वहाँ पे रहे हैं, भूमाफियाज ने हमारे को क्या किस ढंग से प्लॉट की जो सेलिंग की है, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, वो सारा कुछ पार्क की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था करके आपको दे दी जाएगी, सड़क वगैरह भी सारी, लाइट की व्यवस्था भी रहकर हम ही करके देंगे, इसमें म्यूनिसिपल कमेटी का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद किस प्रकार से ये चीज़ें की गई है, कैसे सरकार ने इसको, इनके जो नक्शे हैं उसको अप्रूव किया है, ये हमें सबसे बड़ा जो इशू लग रहा है, वो सबसे बड़ा इशू हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि म्यूनिसिपल कमेटी या टाउन कंट्री प्लानिंग वालों ने किस प्रकार से उनको अप्रूवल दी थी वो सब करने के लिए। आज की डेट में जब हम उनके पास जाते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी वाले बोलते हैं कि जैन साहब ने इसको करना है, दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक वो आर रिजाइडिंग देयर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टॉक मिस्टर सचिन जैन या जो भी दूसरे आपके जो जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट सेल किए हैं, वो उन सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। इसी के आधार पे आज हम सब लोग, क्योंकि आपको पता है कि 90% लोग वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो लोग आज छुट्टी नहीं है, उनको अपने ड्यूटी पे जाना होता है, इस वजह से बेचारे आ भी नहीं पाए हैं। तो 90% लोग होने की वजह से ना ज़्यादा एजिटेट कर सकते हैं, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। उसी का फ़ायदा जितने भी भूमाफिया है ये लोग उठा रहे हैं। तो हम तो यही निवेदन करने आज डीसी साहब से आए कि आप फिजिकली किसी की ड्यूटी लगाएं कि वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन हो, जो सीवरेज सिस्टम ये सब चीज़ें, लड़ाइयाँ आपस में हो रही है, ऊपर वाले का पानी नीचे वाले के पास आ रहा है तो उसमें समस्या क्या है कि आपस में लड़ाई हो जाती है। तो आज हमने इन सब चीज़ों की जो हमारी समस्याएं हैं कुछ एप्लीकेशंस वगैरह साथ में इनक्लोज करके डीसी साहब से मिले हैं, अब आश्वासन दिया है, देखते हैं अब क्या होता है। देखिए हमारा स्टैंड एज इट इज बना हुआ है, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमें करना पड़ेगा। रही बात टैक्स की, जो आपने बात की, टैक्स आप किस आधार पर दोगे, आपको हाउस नंबर अलॉट नहीं किए गए हैं तो किस आधार पर देंगे। मैंने खुद एक बार टैक्स जमा करने वहाँ पर गया, रसीद उन्होंने नहीं दी कि हाउस नंबर, मैंने कहा जब आपने हाउस नंबर अलॉट नहीं किया है तो मैं कैसे करें। उसके बाद से ना उन्होंने टैक्स के लिए बोला भी नहीं है और ना हमने टैक्स दिया है। जब हाउस नंबर नहीं होगा तो किस आधार पर टैक्स दिया जाएगा। चुनाव ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर हमारे नहीं करती है तो हमारी मजबूरी, हमें करना पड़ेगा, इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र पे इतना अधिकार तो हमारे भी बनता है कि हम वोट कास्ट करना ही छोड़ दें। ये चीज़ ये स्टैंड हमारा, जो हमने बोला है उसके ऊपर हम बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम है साथ में जो रोड सीवरेज रोड की इतने बुरे हाल है और जो गंदा पानी है वो सारे लोगों के घरों में घुस रहा है
और बारिश में अभी कुछ घरों को तो इतना खतरा हो चुका है, वो कभी भी पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह सकती है। तो हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि जब सबसे पहले तो उनको राहत दी जाए जो जिनके घर इस टाइम बिल्कुल खतरे में है और वो लोग सो नहीं पा रहे हैं, कई लोग कई कई रातों उन्होंने जाग के काट रहे हैं। तो यही है मेन। हमारे जो घर है, घर के नीचे की तरफ जो सारी लैंड थी वो पहले ये हमें बोलकर बेचा गया था कि भी उस पर कभी मकान नहीं बनेगा, लेकिन वो पिछले एक साल में वो सारी लैंड बिक चुकी है और अभी हाल ही में वहाँ पर जो प्लॉट का काम स्टार्ट हुआ है, उन्होंने इतना प्लॉट है वो 60 फीट हाइट पे प्लॉट को काट दिया है, जिसके कारण से बरसात में अब वो सारे का सारा जो कच्चा मलबा गिर चुका है और जो लेवल है वो हमारे बिल्कुल घर के जो है एडजॉइनिंग उसमें टच हो गया है। तो ज़्यादा बारिश आती है तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो हमने डीसी साहब से भी प्रार्थना की अभी आके कि भी कोई वहाँ पे देखा जाए और जो प्रशासन है वो उसकी कुछ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।